हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, जो आज की वीडियो है वो होने वाली है फिर से व्हाट्सअप से रिलेटेड। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था व्हाट्सअप के ऐसे टॉप 5 फीचर्स, तो गाइस अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को गाइस पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप की कुछ नई पॉलिसी, जिसे गाइस आप नज़रअंदाज कर देते हो, उसे एग्री हो जाते हो और वो बिना समझे। और क्या है नई पॉलिसीज़, बहुत अपडेट है, बहुत कुछ नया है व्हाट्सअप की नई पॉलिसीज़ में। और व्हाट्सअप ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाई है इस बार, तो क्या क्या है वो सब जानोगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमेशा की तरह अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए चैनल को फटा जाकर सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लगा दो। इससे क्या होगा, जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है उसका सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस, व्हाट्सअप ने बदलाव किया अपनी पॉलिसीज में, वो ये है कि व्हाट्सअप अब लेके आ रहा है बैन पॉलिसी। अब क्या है बैन पॉलिसी, अब इसके क्या मतलब है इसका अभी तक? तो गाइस इसका ये मतलब है कि जब आप अब व्हाट्सअप को यूज़ करते हो, उसमें ग्रुप चैट्स पे या कुछ गलत चीज़ शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ में या फिर ग्रुप पे शेयर करते हो, तो व्हाट्सअप गाइस उसी टाइम आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। यस गाइस, ये कोई नकली नहीं बता रहा, मैं व्हाट्सअप ने खुद कहा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, व्हाट्सअप ने ये चीज़ खुद बताई है कि वो उन अकाउंट्स को बैन भी कर सकता है या फिर टर्मिनेट भी कर सकता है। सो गाइस, ये बहुत बड़ा अपडेट है तो बैन पॉलिसी का जुड़ा हुआ। तो इस व्हाट्सअप की अगली पॉलिसी ये है कि व्हाट्सअप अब ऐड पॉलिसी भी ला रहा है। मतलब ऐड पॉलिसी मतलब का समझ ही गए आप कि व्हाट्सअप गाइस अब बहुत कुछ ही टाइम में व्हाट्सअप पे ऐड आने भी शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, ये सही है आपके लिए? आपको एग्री हो इससे या नहीं तो एक कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं। बिकॉज अब जो अगली जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो के अंदर है वो ये है कि व्हाट्सअप गाइस जब आप व्हाट्सअप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हो, क्या वो सेफ है या नहीं? जब आप उसे इंस्टॉल करते हो तो वो आपके सामने एक ऑप्शन आता होगा टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो वहाँ पे आप उसे अलाओ या फिर एग्री कर देते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि व्हाट्सअप आपके स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि एसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब गाइस बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ होती है गाइस। वो होती है एक लोकेशन, वो आपके डिवाइस के अंदर कौन सा डिवाइस है और कहाँ से यूज़ कर रहे हो, इंडिया या फिर कोई भी जगह से आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है, और आपका आईपी एड्रेस पता लगा लेता है, कनेक्शन कौन सा सर्वर आप किससे कनेक्ट हो। सो गाइस व्हाट्सअप इन सभी बातों का ध्यान रखता है। तो गाइस आपको भी यार ये पता था पहले या नहीं था, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। सो गाइस व्हाट्सअप के बड़ा अपडेट ये आता है कि व्हाट्सअप जो आपका डेटा फेसबुक के साथ भी शेयर करता है या नहीं। सो गाइस इसका आंसर है जरूर करता है आपका व्हाट्सअप ने खुद कहा है कि व्हाट्सअप आपका जो डेटा है, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हो या नहीं, व्हाट्सअप ये शेयर करता है फेसबुक के साथ में भी। अब कोई वजह से करता होगा पता नहीं, वो रीज़न पता नहीं, पर गाइस व्हाट्सअप आप जैसे फेसबुक पे आपका कोई अकाउंट हो या ना हो, और आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा जब आप व्हाट्सअप ओपन करते हो तो आपको नीचे लोगो आता है फेसबुक का, जैसे आप फेसबुक चलाते भी नहीं हो फिर भी। सो गाइस फेसबुक ये बता दूँ कि व्हाट्सअप का जो डेटा है वो फेसबुक के साथ में शेयर किया जाता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो निकल के आता है व्हाट्सअप की तरफ से। मिनिमम एज मतलब व्हाट्सअप पे आप जब प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करते हो तो उसकी जो मतलब 16+ मतलब मिनिमम एज दे रही है, उसने मतलब अलर्ट कर रखा है कि 16+ यूज़र्स इसे यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप को, उससे नीचे करते हैं तो वो इलीगल है। लीगल ओनली 16+ ही है, उससे नीचे करने वाले इलीगल है सभी। सो गाइस ये एक ये भी सही है चीज़ कि 16+, क्योंकि आजकल आपने भी देखा कि बहुत से छोटे छोटे स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं जो कि 10-12 साल के अंदर में व्हाट्सअप अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं, व्हाट्सअप चलाना चालू कर देते हैं। सो गाइस वो चीज़ इलीगल है, ये व्हाट्सअप ने खुद बताया। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, वो है व्हाट्सअप की मैसेज और इंक्रिप्शन से निकल के आता है। सो गाइस आप भी क्या जानते हो कि व्हाट्सअप का जो आपका डेटा है वो स्टोर किया जाता है नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है, एकदम बिल्कुल सिक्योर रहता है। अब कैसे रहता है, पर हाँ एक एडवांटेज ये है व्हाट्सअप की, जब आप कोई चीज़ एंड टू एंड शेयर करते हो और सामने वाला आपकी जो चीज़ को रिसीव कर लेता है तो वो सर्वर में स्टोर नहीं होता। सो गाइस आप जान सकते हो कि वो एंड टू एंड ही होता है। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो भी एंड टू एंड ही होता है गाइस। पर अब ये बात करते हैं कि व्हाट्सअप जो आपका डेटा होता है क्या उसे भी शेयर करता है, क्या उसे भी स्टोर करता है? जी हाँ दोस्तों, जो गाइस मैसेज करते हो आप अपने दोस्तों के साथ में तो सामने वाला आपका रिसीव कर लेता है तो सही है, वो स्टोर नहीं होता।
नहीं तो आप उसे मतलब वो सामने वाला रिसीव नहीं करता उस मैसेज को, तो गाइस वो सर्वर में स्टोर हो जाता है और वो 30 डेज में डिलीट होता है, ये व्हाट्सएप ने खुद बताया है। तो गाइस आज के वीडियो में कुछ यही, तो कैसे लगे आपको आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी गाइस ऑल पे लगा लेना है, इससे क्या होगा जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है उसका सब नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये थी यार व्हाट्सएप से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स। सो गाइस आप भी कैसे एग्री हो या नहीं कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे फिर से ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में।